नबाब अध्यक्ष ने ईओ पर लगाए गंभीर आरोप। सूबे की योगी सरकार लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। अवैध भूमि व इमारतों पर सरकार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद गोंडा जिले में भूमाफिया लगातार सक्रिय हैं और खाली पड़ी नजूल जमीन पर भूमाफियाओं की बुरी नजर बनी हुई है। आए दिन सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से हेराफेरी कर बैनामा करने के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला गोंडा नगर पालिका के पंत नगर मोहल्ले के खाता संख्या 83/84/2 का है। ये भूमि जिले को राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है, जिस पर अब तथाकथित भूमाफियाओं की बुरी नजर पड़ चुकी है। नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ निर्मल ने इस पूरे प्रकरण पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए सूबे की मुखिया व अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। निर्मल श्रीवास्तव का आरोप है कि उक्त भूमि को लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कतिपय लोगों के साथ मिलकर जानबूझकर बेशकीमती सरकारी जमीन संरक्षित करने के बजाय भूमाफियाओं को कौड़ियों के भाव बेचने में मदद की। इस संदर्भ में ईओ के द्वारा वर्ष 2018 व 2020 में डीएम व प्रभारी अधिकारी नजूल सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर उक्त जमीन का संरक्षण करने की बात कही, लेकिन वर्तमान में जमीन की अवैध तरीके से खरीद फरोख्त जारी है। इस मामले में हमने जब नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विकास सेन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज अब भारत।